वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ कुछ कनाडा की खट्टी मीठी सी बातें, यानी इधर उधर की बातें और कनाडा की कुछ अपडेट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलें आज की स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि आज सारा दिन किया क्या है। आज कुछ खास नहीं किया है, संडे था, बच्चे भी फ्री थे तो एप्पल फार्म गए। एप्पल फार्म में देखें जी हमने देखा क्या है और हमें क्या मिला है। यहाँ पे तकरीबन 20-25 से ज़्यादा एग्ज़ाम के एप्पल थे। वो पहले वहाँ पे जाओ तो वो ट्राई करवाते हैं कि आपने कौन से एप्पल लेने हैं, क्योंकि जब फॉर्म में जाओ तो आपको चलो पता हो कि ये वाला एप्पल मैंने खाया था और ये मज़े का था, हम यही उतारें। फिर एप्पल लेके आप बास्केट में आते हो और सबसे बड़ी बात, जब आप एप्पल तोड़ते हो ना, आपको अंदाज़ा नहीं होता है, आप एप्पल ऐसे ही इकट्ठे करते रहते हो, मतलब बास्केट में डालते हो, बास्केट में डाल के फिर लेके आते हो, वो वेट करते हैं, वेट करके। यहाँ पे एप्पल जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर स्टोर पे आपको $2 के एलबी मिल रहे हैं तो यहाँ पे आपको $7 के एलबी मिलते हैं। एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा शायद फ्रेश है इसलिए, पर एप्पल थोड़े महंगे, थोड़े नहीं बहुत महंगे हैं। तो खैर हमने पहले एप्पल ट्राई किए, 3-4 एग्जाम उसके ट्राई किए, उसमें से जो जो अच्छे लगे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये वाले एप्पल हमने लेने। हम गए पूरे फॉर्म में घूमे, तो उसके बाद कुछ एप्पल हमने लिए। पर वहाँ पे ये भी है कि जब आप जाते हो ना एप्पल फार्म के अंदर, तो उसकी कोई एंट्री फीस नहीं होती है। पर जब आप फार्म में जाते हो तो उन्हें लिखा होता है कि आप उतार के खा नहीं सकते हो, पहले पे करो फिर खाओ। कुछ लोग खा भी रहे थे, कुछ नहीं भी खा रहे थे, मिक्स था। पर यह है कि अच्छा था। इतने छोटे छोटे ट्री थे, मतलब उनकी हाइट इतनी छोटी थी और इतने ज़्यादा एप्पल लगे हुए थे कि आराम से कोई भी अपनी मर्ज़ी का उतार सकते हो। बाज़ बंदों को ग्रीन एप्पल पसंद होता है, बाज़ को रेड। कल मैंने पहली दफ़ा ग्रे एप्पल देखा है, पिक्चर बनाने की याद नहीं रही है मुझे, क्योंकि अब निकल आई हूँ तो है फिर किसी टाइम। तो ग्रे एप्पल पर उसका टेस्ट बिल्कुल पता है कैसा था, जैसा नहीं होता नाशपाती का टेस्ट, बिल्कुल नाशपाती वाला टेस्ट था। पर मज़े का नहीं था, मुझे नहीं मज़े का लगा, ऐसे बहुत जब बाइट करो तो अजीब सा फील हो रहा था। तो बाकी ये देखें बहुत हवा चल रही है और मज़े मज़े के एप्पल हैं, जितने मर्ज़ी उतारो और बास्केट में डालो और ले जाओ, जाके पे करके खाओ। पर सबसे मज़े की बात ये है कि आप थोड़े से भी एप्पल लेके आओगे ना, जब उन्हें मतलब पे करोगे या वेट होगा तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपने तकरीबन 10.5 से 12 एप्पल लाए। अगर 12 एप्पल हैं तो वो कम अज़ कम $25 के हो जाएंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता शायद उनका वेट ज़्यादा है या क्यों, वो वहाँ पे जो उन्हें स्केल वगैरह लगाया हुआ था, मेरे बच्चों ने ना सेपरेट सेपरेट बास्केट लेके गए थे तो उनमें उन्होंने अपने अपने एप्पल डाल के लाए थे। अभी मैं वैसे कोशिश कर रही थी कि थोड़े लें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि इनका प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। फिर आप घर लेके आते हो, अगर आप खाते नहीं हो या बच्चे खाते नहीं हैं तो फिर वो वेस्ट होते हैं, क्योंकि इतना महंगा है, यहाँ पे भी सब चीज़ें इतनी महंगी हैं। तो आप एप्पल लेके आते हो, खा नहीं रहे हो, वेस्ट होते हैं। यहाँ पे यूजली होता है हमारी वेजिटेबल्स, स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट जो भी आप लाते हो फ्रिज में रखते हो, आधा वो गार्बेज में जाता है, क्योंकि पता नहीं शायद ठंड है या क्या है, ठंड की वजह से शायद आप सारा खा नहीं सकते हो, या फ्रिज में पड़े पड़े देखते नहीं हो या क्यों। मेरे ख्याल में ये घर घर की कहानी है। अगर मैं क्यूकम्बर्स वगैरह लाती हूँ ना, बहुत कम खाने होते हैं। अगर उसको बहुत ठंडा रख देती हूँ फ्रीज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अगर बाहर रखती हूँ तो उनमें मोल्ड लग जाती है, फिर भी नहीं खाने होते। और अगर घर में नहीं हो तो फिर भी, कि घर में कोई फ्रूट नहीं है, कोई सब्ज़ी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें कर कर आके ना, तो वैसे बहुत ज़्यादा मेरे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट ख़राब होते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कम लाया करूँ, फिर भी जितना भी लाओ कुछ ना कुछ उसमें से वेस्ट हो जाता है।
इसमें हर एक बात ये भी है कि थोड़ी सी अपनी भी गलती है, मतलब यह है कि अगर मेरे ख्याल में बच्चों को काट के दें, प्लेट में रख के दें, शाम को जब वो टीवी देखें या कंप्यूटर देख रहे हैं या कुछ, तो शायद बच्चे खा लें, पर अगर वो फ्रिज में पड़े हैं तो बच्चे निकालते ही नहीं, टेबल पे पड़े हैं तो कोई भी नहीं निकालेगा, कोई भी नहीं साफ़ करके खाएगा, इवन उस पर फ्रूट फ्लाइज आ जाएंगी। तो यहाँ पे तो बच्चे फ्रूट्स फ्लाइज वगैरह देख के तो ऐवें ही भाग रहे हैं कि नहीं ये तो हमने खाना ही नहीं है। तो बस वो लंबी चौड़ी है मेरी कहानी हो गई आज की। पर यह है कि मैं कहना ये जा रही थी कि जब आप एप्पल लेने जाओ ना, तो थोड़े कम लाओ, जितने आपको लगे कि आप खा सकते हो या आपके यूज़ में आ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ले आएंगे, बहुत ज़्यादा ले आएंगे, यानी कि आप 10 एप्पल भी ला रहे हो, तो मतलब आप सोच लो 20 से 22 डॉलर कहेंगे। इसी तरह मैंने बच्चों को बास्केट में डाल के तकरीबन 6-6, 7-7 एप्पल दिए थे, इससे ज़्यादा नहीं थे दिए। 2-3 बास्केट थी, हर बास्केट के 12 से 15 डॉलर लगे, तो मतलब ये हुआ कि 2 या 2.5 का एक एप्पल आपको मिलेगा। तो ये थोड़ी सी आज एप्पल की कहानी थी कि एप्पल फार्म गए क्या हुआ। पर ये है कि वो घूमने की जगह है, बच्चे घूमे फिर रहे हैं, वहाँ से एप्पल खुद तोड़ना जो था ना, वो बच्चों के लिए फ़न था। या शायद ये भी हो सकता है, जब आप एप्पल फार्म में जाते हो, एप्पल तोड़ते हो, ये तोड़ा ये नहीं अच्छा ये फेंक दिया, ये तोड़ा ये नहीं अच्छा ये फेंक दिया, तो शायद वो उस तरह से एवरेज प्राइस निकालते हों और इसलिए ज़्यादा महंगे हों, ये भी हो सकता है। बरहाल ये आज की कहानी हुई है। और ये देखें जी एप्पल, ये मज़े मज़े के इतने अच्छे लग रहे थे, ये देखें, ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देख लें, लग रहा ना इतने मज़े का एप्पल। एक एप्पल उतारते हैं और थोड़ा सा खाते हैं। खाते हैं, देखते हैं कितना क्रंची है या क्रिस्पी है। तो है बच्चों को लेके जाएं अगर आपके पास कहीं पे हैं। वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि देखें, अगर इसकी एंट्री फ़ीस नहीं है ना, तो मज़े का है। फिर एंट्री फ़ीस नहीं, आप गए हो घूम फिर के, अगर एप्पल लिए तो लिए, अगर नहीं लिए तो बच्चे भी घूम लिए, वापस आ गए और टाइम स्पेंड हो गया, बच्चों ने एप्पल के ट्री देखे हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। अगर छोटे बच्चे हैं वो तो फिर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ का पास ऐसे ट्री तो नहीं देख रहे हो कि जिससे ये चीज़ हो वो चीज़ हो, ये उतार लिया। घर में तो लाते हैं तो उसको 10 दफ़ा धोते हैं जी, ये करो वो करो, और अब वहाँ से उतार के सभी ऐसे खा रहे थे, पर मुझे नहीं पता साफ है या गंदा है। चले, अगर आप भी किसी फॉर्म वगैरह में गए हैं कभी, तो कोई स्टोरी है तो शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हो, मुझे यही अच्छा लग रहा है। चले अगली वीडियो के साथ फिर आऊँगी, फिर थोड़ी बातचीत करूँगी, इस पे मैं बात कर लेती हूँ तो थोड़ा सा मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। बाकी आप एप्पल ट्री देखें और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।